हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे आप सब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ ये है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है फहान। मेरा नाम है मंसूर। सो गाइस, लेकर आ गए एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो। इसमें आज हम जानेंगे भाई सूर्या की बैटिंग देखकर एम्पायर टेंशन में, असूल बदलने पड़ेंगे, ना वाइड छोड़ता है ना बाउंसर बॉलर मुश्किल में। यार मतलब यार ना वाइड छोड़ता है ना कुछ और, सारों को है भाई। अभी एम्पायर कह रहे हैं कि यार असूल बदलने पड़ेंगे। यार वैसे यार बहुत अच्छा खेलता है ये, सारों को इसने यार पूरी वर्ल्ड की टीमें जो थी ना, उन्होंने भाई इसे सबसे दुनिया का भाई सबसे कीमती मतलब प्लेयर इसे बना दिया यार। हाँ। इतना जो है तो इसमें देखते हैं भाई, वीडियो को इतना नहीं आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो काउंट करते हैं 3-2-1 एंड स्टार्ट। इधर सूर्य कुमार यादव ने मारा छक्का, उधर क्रिकेट में गेंदबाजों के बीच छिड़ी नई बहस। हाँ। न वाइट बॉल छोड़ता है न बाउंसर, ऐसे तो गेंदबाजों का रोजगार संकट में आ जाएगा। तो लेना पड़ेगा क्लास, बदलना होगा क्रिकेट का नियम, नहीं तो गेंदबाज रोएंगे। सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी के बाद क्रिकेट की दुनिया में एक नई बहस छिड़ गई है। सबसे बड़ा सवाल है कि गेंदबाजों की इज्जत का क्या होगा। वो खिलाड़ी जो नियम को नहीं पढ़ता है न क्रिकेट का कानून समझता है। कहते हैं जितनी हो चादर उतना पैर फैलाओ। हाँ। पर सूर्या ने सारी बातों को पीछे छोड़ दिया। क्रिकेट 100 साल से खेला जा रहा है, 22 गज की पिच बनाई गई। किसने सोचा था कि एक ऐसा खिलाड़ी आएगा जो पिच पर बैटिंग नहीं बल्कि मैदान में दौड़ा कर मारेगा। तो कुछ सवाल दिखाते हैं। गेंदबाजों की धुनाई पर वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी शाई होप को तरस आया, ट्विटर पर लिखा बस कर सूर्या कितनी आगे भाई। कोच राहुल द्रविड़ रिपोर्टर बनकर पूछने लगे आखिर ये किया कैसे। यहाँ सूर्या की तारीफ के साथ गेंदबाजों का दर्द भी समझना होगा। क्रिकेट में गेंदबाजों की धुनाई का हर रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाता है। हमें इस बहस सूर्या के कारण क्रिकेट का नियम बदलना चाहिए। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि कभी T20 क्रिकेट जैसी चीज भी आएगी। सूर्या को जिस शॉट पर मात्र 6 रन मिले उसकी कीमत 10 रन से भी ज्यादा थी। तो क्या इस बहस में भी पढ़ना चाहिए कि कुछ अद्भुत शॉट के लिए विशेष नियम होना चाहिए, जैसे विराट कोहली का T20 वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप की गेंद पर मारा गया ना भूलने वाला छक्का, जैसे सूर्या का श्रीलंका के खिलाफ मारा गया ये वाला छक्का। क्रिकेट के जानकार मानते हैं कि कभी नियम में ये शॉट सिखाया ही नहीं जाता है। दौर सचिन का रहा हो या गावस्कर का, हमेशा जमीनी शॉट को परफेक्ट माना गया। कभी सचिन के कवर ड्राइव को क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ शॉट कहा जाता था, पर अब सोच बदल गई है। सूर्या ने जो छक्का मारा उसका नाम क्रिकेट की डिक्शनरी में है ही नहीं। इससे पहले तक ऐसे शॉट को स्कूप बोलते थे, पर सूर्या कुमार यादव ने पिच से बाहर जाकर मैदान में कूदकर छक्का मारा है, जिसके लिए नए शब्द की तलाश है। अब हम आपको कुछ नियम बताते हैं। जब भी कोई नया आता है तो उसकी तुलना पुराने से की जाती है। हाँ। पर नया अगर ज्यादा योग्य हो तो सोच बदलनी पड़ती है। पाकिस्तान क्रिकेट के महान स्पिनर दानिश कनेरिया का दावा है कि डिविलियर्स नहीं भारत के स्काई यूनिवर्स बॉस है। कल की पारी देखने के बाद कई दिग्गजों को लगता है कि सूर्या और डिविलियर्स में सूर्य कुमार यादव का पलड़ा ज्यादा नहीं बहुत भारी है। सूर्य कुमार यादव को फंसाने के लिए वर्ल्ड क्रिकेट के गेंदबाजों ने नई रणनीति बनाई है। प्लानिंग के मुताबिक सूर्या को वाइड यॉर्कर बॉल फेंकी जाए तो आड़े तिरछे शॉट नहीं खेल पाएंगे। श्रीलंका के गेंदबाजों ने ऐसा ही किया। 13वां ओवर करने आए मधुशंका ने सूर्या को वाइड यॉर्कर फेंकी, पर सूर्या वाइड पर चढ़कर मारने लगा। पीछे गली की तरह फील्डर बेचारा मुंह ताकता रहा। हाँ। यानी अब वो दौर आ गया है जब क्रिकेट का नियम बदलना चाहिए। कल्टी मारकर कैच पकड़ना आसान होता है, पर कल्टी मारकर छक्का ये बहुत मुश्किल है। सुना गया साइड पिच पर अगर कोई बल्लेबाज जाकर बल्लेबाजी करेगा तो फिर गेंदबाज क्या करेगा। हमने एबी डिविलियर्स और सूर्या का एक तरह का ही शॉट चुना। हम आपको दोनों तस्वीरें दिखाते हैं। एबी डिविलियर्स वाइड बॉल पर तो खेलते थे, पर साइड पिच यानी कि पिच के बाहर निकलकर कभी नहीं। दोनों को देखे तो पता चलता है सूर्या में ज्यादा दम है। पिछले मैच में ही अर्शदीप ने कुल 5 नो बॉल फेंकी। यानी बॉलर का पैर अगर 1 सेंटीमीटर बाहर निकल जाए तो नो बॉल होता है, पर बल्लेबाज कहाँ कहाँ मार सकता है ऐसा कभी सोचा नहीं गया। साल 1744 में क्रिकेट में पहली बार नियमों को लिखा गया और बाद में 1774 में संशोधित किया गया। इसी दौरान LBW, तीसरा स्टंप, मिडिल स्टंप और बल्ले की अधिकतम चौड़ाई जैसी बातें नियमों में जोड़ी गई। उस वक्त सूर्या जैसा कोई बल्लेबाज होता तो ये नियम भी जोड़ा जाता कि बॉलर को दौड़ाकर मारने पर क्या होता। विराट कोहली का छक्का हो या सूर्य कुमार यादव का छक्का, सचिन का अपर कट या रोहित शर्मा का पुल शॉट हो या फिर रिवर्स स्वीप जैसे शॉट की खोज होती रही है।
यानी क्रिकेट में नए नए शॉट आते हैं, पर सूर्य कुमार यादव के पास इतनी प्रतिभा है कि वो और मैच में कुछ नया कर सकते हैं। छक्का चौका मारकर रन बनाने वालों की कमी नहीं है, पर सामने वाली टीम को ये कहकर छक्का चौका मारना कि तुम कहीं फील्डर लगाओ हम मारेंगे अलग बात है। जब सूर्य बैटिंग कर रहे थे तब एक पक्ष श्रीलंका के कप्तान हताश हो गए कि रोका कैसे जाए, जब भारत 20 ओवर में 228 बना सकता है तो फिर 50 ओवर में 500 क्यों नहीं। यही बात है ग्लोबल भारत टीवी यार। इसी के साथ ये वीडियो हुई यार, धोया इनको यार, क्या यार पीछे एक भाई था बहुत ही इन्हें धोया भाई, 48 बॉलों में सेंचुरी इसने मारी है यार लेवल। और भाई यही अगर ओपन मतलब खेलता रहता ये तो बाले कोई काम थी ना, लेकिन आगे ये खेलता रहता तो 500 इनकी बात सही है यार, बनाई लेते आसानी से। कुछ नहीं है क्योंकि ये वाइटो को भी नहीं छोड़ा, वाइटो पे भी छक्का मारा और कितनी मुश्किलों से मारा छक्का भाई। अभी वो टाइम आ गया, एक टाइम था ना जिस टाइम लोग कह रहे थे क्रिकेट का स्कूल बदलाया जाए, बिल्कुल यार, और वो टाइम आ चुका है कि यार अभी स्कूल इसके बदलेंगे, स्कूल में कह रहा हूँ सॉरी असूल इसके सारे बदलेंगे अभी आहिस्ता आहिस्ता, क्यों यार। और भाई इसी तरह देखा जा रहा तो यार ये प्लेयर नंबर वन पे जा रहे हैं इस टाइम, नंबर वन को टक्कर दे रहा है कि चला जाएगा, ये तो शुरुआत है इसकी, जो आगे आएगा तो बहुत आगे भाई। मैं तो कहता हूँ आगे जितने भी मैच है ना सब जीते इंडिया के नाम पे, और भाई होने भी चाहिए, जो कि भाई ये बल्लेबाज है ना और भी बहुत है इंडिया में, जैसे रोहित शर्मा हो गया, दूसरा विराट कोहली हो गया, बॉलर हाँ। भी यार बेस्ट है, बहुत अच्छे बॉलर है, सिर्फ खेलना नहीं होता बॉलिंग भी अच्छी करनी पड़ती है, लेकिन ये है कि यार सूर्य कुमार का भी इस टाइम पे अपना लेवल हुआ है। मैंने क्या कहा है, जब इंडिया का मैच होता है तो हम दीवाने हो जाते हैं, वो पागलों की तरह यानी खेल को खेल समझते हैं, खेल को खेल बगाते हैं, उनको वो होश छोड़ जाते हैं कि यार वो कहीं कोई इधर जा रही है कोई उधर जा रही है यार, ग्राउंड के हर कोने में भाई ये बॉल मारता है सूर्य कुमार, देखी कितनी उधर थी और उसने यूं मारी है यार। इस भाई ने अभी वीडियो में बोला है कि यार डाई मारकर तो कैच करना आसान है, लेकिन डाई मार के छक्का मारना बहुत मुश्किल यार है। ये जो हम बातें कर रहे हैं ये बहुत जो है ना आसान है बातें करना, लेकिन जो वो ग्राउंड में खड़ा होता है उस पे जो बीतरी होती है वो बहुत मुश्किल होती है भाई, इसका हौसला कुछ देख रही होती है यार, इसने अपने इतने कम टाइम में इतना जो है ना वो कर लिया, अपना नाम ऊपर किया, अपने मुल्क का नाम ऊपर कर दिया वाकई यार। अभी देखो ना जहाँ भी सूर्य कुमार का नाम लिया जाता है वो बोलेंगे कौन से देश का है, हैरान हुए इंडिया का, वो हैरान हुए ये कर क्या भाई बात है ना, बॉलर देख रहा है हैरान हाँ। हुए कि ये कर क्या रहा है हमारे साथ, छक्के पे छक्के यानी छक्के पे छक्के सही बात है, माप नहीं यानी हमारे जो खिलाड़ी आते हैं पाकिस्तानी जो खिलाड़ी आते हैं वो स्टॉप स्टॉप जी टेस्ट मैच 2020 में भी टेस्ट मैच जी ये जी छक्के काम खराब करते हैं वो ना, इसी वजह से देखना अभी पाकिस्तान क्रिकेट में बिल्कुल यार पाकिस्तान है किस चीज में ऊपर, मुझे ये बता ऊपर मैं क्रिकेट पे रो रहा हूँ, क्रिकेट के अलावा मुझे और कोई चीज बता दो, लेकिन इंडिया देखो ना कितना ऊपर चला गया है क्रिकेट हर चीज के मामले में यार, लेवल तो यार हमें बहुत ही अच्छा लगा है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको न्यू हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम टाइम से मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, तैयार बाय।